डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, साइंस में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में टोटल तो हम लोगों को ख़त्म हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक से जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं अभ्यास के प्रश्न, तो अब हम लोग अभ्यास में जो जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझने वाले हैं, उनके उत्तर सटीक क्या हो सकते हैं इस मैटर पे बात करने वाले हैं। तो 10th क्लास के जो साइंस है उसमें नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चंस को देखा जाए, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस नोट किया जाए, क्या लिखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे लिखना, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, ये क्वेश्चन है। बोल रहा है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के है, इसके चार ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शंस में लिखा है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शंस में लिखा है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, सी वाले ऑप्शंस में लिखा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और डी वाले में लिखा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो आपको पता होना चाहिए, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़े हैं कि पादप मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स। ये इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है जिसके कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। थायरोक्सिन हार्मोन भी मानव में पाया जाता है जो कि मानव के गले से स्रावित होता है। यही थायरोक्सिन कम बनेगी तो घेंघा रोग हो जाती है। ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये क्या है, तो एस्ट्रोजन ये लड़कियों में मुख्य रूप से बनती है ताकि उनके ब्रेस्ट का साइज, उनके चेस्ट छाती की साइज बढ़ने लगती है, जांघों के बीच बाल आने लगती है, उनकी आवाज़ सुरीली होने लगती है। तो ये लड़कियों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले हार्मोन्स है। और ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यही है जो पादप हार्मोन है मतलब पेड़ पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है द्रुमिका, दूसरे ऑप्शन है सिनेप्स, तीसरे ऑप्शन हैं एक्सॉन, एक्सॉन, चौथा ऑप्शन है आवेग, डी में है आवेग। तो ये चारों ऑप्शंस में आपको हम बताए हुए थे कि जब तंत्रिका तंत्र बनते हैं तो तंत्रिका तंत्र के सबसे ऊपर वाले जो भाग है द्रुमिका, ये द्रुमिका ही सूचनाओं को इकट्ठा करती है, मतलब कि सूचनाएं लेती है, और पूरा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से वो द्रुमिका हमारे ब्रेन को सूचना पहुंचाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। याद रखिएगा, हम आपको लिखवाए भी होंगे, बताए भी होंगे कि जो भी दो तंत्रिका तंत्र के मध्य स्थान के बीच जो खाली स्थान होता है वो कहलाता है सिनेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा जाए, 3 वाले क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये आपका क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क का काम क्या है, मस्तिष्क किस लिए है, मस्तिष्क क्या कार्य करता है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है,
ऐसा करके क्वेश्चन है। अब चलिए इसके ऑप्शंस भी देख लिया जाए, तो पहला ऑप्शंस है ए नंबर, ए नंबर है सोचने के लिए। ए नंबर क्या है आप पूरा लिखिएगा, हम सिर्फ सोचने लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ए सोचने के लिए है। बी वाला ऑप्शन हृदय स्पंदन के लिए, हृदय स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है धड़कन, ऐसे ऐसे फक 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 हृदय करता है ना, कभी अपने हृदय पे हाथ रखकर, चेस्ट के जस्ट नीचे होता है हमारा जो छाती है लेफ्ट तरफ, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे बगल में साइड में वहाँ पे आप रखेंगे तो फक 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 जैसा आवाज़ आएगा वही है हृदय स्पंदन। ठीक है, हृदय का धड़कन भी बोल सकते हैं। तो बोला जा रहा है दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, और तीसरा सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब हमको यहाँ पे चारों ऑप्शंस को देखकर ये पता करना होगा कि आखिर मस्तिष्क किस लिए है, मस्तिष्क उत्तरदायी है क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि मस्तिष्क ही से ही हम लोग सोच भी लेते हैं, मस्तिष्क का काम क्या है सोचना। ठीक है, इसके सिवा मस्तिष्क ही नियंत्रित कर सकता है हृदय स्पंदन के लिए, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, हम आपको बताए भी होंगे। हृदय का धड़कन करना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कंट्रोल कौन कर सकता है, हमारा मस्तिष्क करता है। पलकों का झपकना, मुंह से लार आना, ये सब क्या है, ये ऑटोमेटिक है, अनैच्छिक है। ठीक है, भोजन का पचना, हम चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हृदय का जो धड़कन है ये सब भी कंट्रोल किया जाता है किससे, तो हमारा मस्तिष्क से। फिर है शरीर का संतुलन, तो शरीर को भी संतुलन अवस्था में किया जाता है, वो किससे किया जाता है, शरीर को संतुलन का मतलब यानी कि हम संतुलित कब सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, इसके लिए शरीर को संतुलित करने का भी काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क ही करता है। तो ध्यान से आप यहाँ पे टिक क्या करेंगे, वो सिंपल। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क का जो उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो को कार्य है वो कुल मिलाकर सोचने के लिए भी है, हृदय के स्पंदन के लिए भी है, शरीर को संतुलित बनाने के लिए भी है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शंस करेंगे हम लोग डी, उपरोक्त सभी, मतलब ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा जाए हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या कार्य हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए अब तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चंस, अब चौथा से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आपको लिखकर आंसर करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य हैं, ग्राही के कार्य बताना है, और ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जब ग्राही कोई कार्य नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा, क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी नहीं होंगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके पहले उत्तर को हम लोग लिख लेते हैं।
लिखा जाए उत्तर, हमारे शरीर के ग्राही कान कौमा नाक कौमा जीवा मतलब जीभ आदि हैं जो जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। सूचनाओं का को इकट्ठा करते हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देते हैं तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क उचित संदेश शरीर के विभिन्न अंगों तथा ग्रंथियों को भेजते हैं पूर्ण विराम। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे और न ही उनके प्रति ठीक प्रकार से और न ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर सकेंगे चलिए अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि सवाल क्या था कि हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य हैं, आखिर ग्राही क्या काम करता है, पहली सवाल। दूसरी कि अगर ग्राही काम करना बंद कर दे, ग्राही जो है काम करे ही नहीं हमारे शरीर में, तब क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो आपको समझना चाहिए हमारे शरीर के ग्राही कौन है। तो शरीर के ग्राही ग्राही तीन तरह के होते हैं, एक कान मतलब सुनना, नाक मतलब सुगंध लेना, और जिह्वा जिह्वा का मतलब स्वाद का पता लगाना। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर के ग्राही तीन ही अंग कहलाते हैं, याद रखिए, सुनना, सूंघना और स्वाद लेना। ये शरीर के तीन ही भाग जो हैं वो ग्राही कहलाते हैं। अब अगर पूछ रहा था कि ग्राही कार्य कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कान है, नाक है, ये कोई कहीं कोई छपुआ पकवान बन रहा है, तो वहां से डायरेक्ट उसका जो सूचना है, उसका जो गंध है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज दिया जाता है। और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसको उस सुगंध को कैच करता है, पकड़ता है, तो उचित संदेश शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क जो है पूरे शरीर में फैला देता है ये सूचना कि देखो भाई बगल में ना पुआ पकवान बन रहा है, कहीं कोई साउंड आवाज आ रहा है। तो ऐसा ही होता है, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैच करता है उस आवाज को, और वो जो आवाज है
वो फिर मस्तिष्क को भेजता है और मस्तिष्क पूरे शरीर में ये सूचना देता है कि देखो डीजे पर फलना गाना बज रहा है, अब डांस करो। हमारा शरीर काम करना शुरू कर देता है, यानी कि ये ग्राही अंग नहीं होंगे तब हम समस्या उत्पन्न होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ग्राही का काम है क्या, सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र एकत्रित करना, फिर भेज देता है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क का काम करता है पूरे शरीर तक फैलाता है, ग्रंथियों को भेजता है। अगर उचित प्रकार से ग्राही काम नहीं करें तो पर्यावरण में जो होने वाले क्रिया है उसके प्रति, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ सुनेंगे तब ना उसको जवाब देंगे, कोई बोलता है कि ये वाला काम ना कर दो, तो तुम सुन लिया, अब तुम करना है तो करना है, तो शरीर काम करेगा। या फिर कोई भी चीजें हैं, जैसे किसी को बुलाओ वो दौड़ के आ जाता है, ये शरीर में कान ग्राही है, नाक ग्राही है, जिह्वा ग्राही है। तो ये तीन ग्राही अगर नहीं होंगे तो पर्यावरण में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं उसके प्रति अपने आप को संयम नहीं बरत पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे ये भी लिखे हैं हम लोग कि उसके प्रति हम लोग ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे तो अतः समस्या उत्पन्न तो होगी ही होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है, लिखा जाए। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रैकेट में न्यूरॉन, ठीक है? एक तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं, की संरचना बनाइए, तथा इसके कार्यों का वर्णन करें, चलिए तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। इसका तो पहले फिगर बना देना है, फिगर पहले बनाना है, फिगर बनाने के बाद इसके कार्यों को लिखना है। तो अब इसका आंसर जो है हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, देखिए ये रहा आपका न्यूरॉन का फिगर। तो ये फिगर को पहले बना देना है, देख पा रहे होंगे ना, ये फिगर तो आपको हम पहले ही बनवाए हैं न्यूरॉन का। हालांकि इस क्वेश्चंस में पहले बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का फिगर बनाइए, तो ये फिगर आपको बना देना है। फिगर बनाने के बाद आपको फिर से हम ये वाला, देखिए स्क्रीन पर फिर से दिख रहा होगा, ये उत्तर है और ये उत्तर इसके कार्य में लिखना है, ठीक है? जो उत्तर आपको दिखाया जा रहा है कि इसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये जो उत्तर में लिखा हुआ है इसका आंसर, ये आप फिगर के नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 6 से चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।